हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया है कि इंट्राडे के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक या फ्यूचर्स या ऑप्शंस के अंदर आपको एक अलग-अलग लेवल पे मल्टीपल लेवल्स पे आपको एवरेजिंग करनी हो, या अलग-अलग लेवल पे आपको बाइंग करनी हो, या अलग-अलग लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक साथ एक ही समय पे एक ही प्राइस पे न डालकर अलग-अलग प्राइस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या एक प्राइस बैंड में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या आप अपने प्रॉफिट बुकिंग को भी एक प्राइस रेंज में बुक करना चाहते हैं, ना कि इंस्टेंट एक ही प्राइस के ऊपर एक ही वैल्यू के ऊपर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। कभी आपको इस तरीके का ख्याल आया है क्या? ये जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में इतनी वॉलेटिलिटी होती है, जो 5 रुपये से 100 रुपये और 100 रुपये से 5 रुपये आने में समय नहीं लगता। क्या आपको कभी ऐसा विचार आया है कि इस 5 और 100 रुपये के बीच में अगर मैं एवरी 5 रुपीज़ के मल्टीपल पर अगर मैं इसको बाय करूँ, या एवरी 5 रुपीज़ के मल्टीपल में इसको सेल करूँ, तो क्या मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ सकती है? लेकिन हमारे पास में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम काम धंधे वाले लोग हैं, कभी हमें ऑफिस जाना होता है, कभी घर की जिम्मेदारियां संभालनी होती है, और हम मार्केट आवर्स में इतनी ज़्यादा फोकस नहीं दे पाते मार्केट को और ट्रेडिंग एक्टिविटी को। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ में फायर सिक्योरिटी द्वारा लॉन्च करी हुई एक बहुत ही स्मार्ट ऑर्डर टाइप आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिसको कहा जाता है फायर स्मार्ट ऑर्डर। फायर्स ने एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट ऑर्डर फैसिलिटी, जिसको मैं ये कहूंगा कि एक ऑटोमेशन बना दिया है, जिसको आप यूज़ करके, जैसे मैंने कहा, एक अलग अलग प्राइस रेंज पे, अलग अलग लेवल्स पे अपनी पोजीशंस को एवरेज आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कॉन्फिगर कर सकते हैं सिंगल क्लिक के अंदर, और फिर आप निश्चिंत होकर अपने काम धंधे पर लग सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ फायर्स की स्मार्ट स्टेप ऑर्डर फैसिलिटी को। आपने भी फायर्स का अकाउंट ओपन करवाया होगा तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग इंटरफेस मिलेगा, और अगर नहीं ओपन करवाया है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल्स आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यहाँ पर चाहे आपका वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो या मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, आपको किसी में भी इंस्ट्रूमेंट को जब आप सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जब आप बाइंग या सेलिंग ऑप्शन में जाते हैं, तो मान लीजिए मैं जैसे टाटा स्टील के ऑप्शन में हूँ, टाटा स्टील मुझे इंट्राडे के अंदर काम करना है, लेकिन मुझे स्मार्ट ऑर्डर्स के एक, जैसे मैंने कहा, एक स्टेप्स के थ्रू काम करना है, एवरेजिंग करनी है, एक रेंज के अंदर मुझे अपने सारे ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर हम जाएंगे स्मार्ट ऑर्डर्स में, और स्मार्ट ऑर्डर्स के अंदर आपको एक फैसिलिटी मिलेगी स्मार्ट स्टेप ऑर्डर। स्मार्ट स्टेप ऑर्डर के अंदर दोस्तों यहां पर बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अब मुझे तो इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना है, मुझे नहीं मालूम कि आज टाटा स्टील के हाई क्या होने वाला है, लो क्या होने वाला है, मैं बस अपनी एवरेजिंग करना चाहता हूं, और एक अच्छे प्राइस पे जितने भी उसके अंदर मूवमेंट हुई है, जैसे कि SIP करते हैं, उसी तरीके से मैं टाटा स्टील के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और टाटा स्टील कितना भी आज गिरता है या कुछ भी होता है, मैं उसके हर एक लेवल के अंदर उस अपने शेयर्स को एड ऑन करना चाहता हूँ। या बहुत सी बार ऐसा भी होता है दोस्तों, मैं ETF के अंदर काम करते हैं हम लोग, बैंक ETF हो गया, बैंक 20 हो गया, निफ्टी 20 हो गया, उसके हर थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल्स में हमको इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन हम मैन्युअली ट्रैक नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये फैसिलिटी बहुत यूजफुल है। यहाँ पर हमको ऑर्डर विंडो में जाना है, कितनी क्वांटिटी की हमारी कैपेसिटी है, मान लीजिए मेरी 500 क्वांटिटी आज मुझे बाय करनी है इंट्राडे के अंदर टाटा स्टील की, कितने स्टेप्स में, मतलब एक बार में मैं कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 50 क्वांटिटी कर करके मैं एवरी 2 रुपए के डिफरेंस में टाटा स्टील की 50-50 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ एवरेज क्वांटिटी में मैंने 50 लिख दिया, एवरेज एंट्री ड्रिफ्ट में मैंने 2 रुपए लिख दिया कि एवरी 2 रुपए के डिफरेंस पे मेरी टाटा स्टील की 50 क्वांटिटी बाय होनी चाहिए। तो 2 रुपए नीचे 153 आएगा तो मेरी 50 क्वांटिटी और बाय होनी चाहिए, फिर 151 आया तो और 50 क्वांटिटी बाय होनी चाहिए। इस तरीके से टाटा स्टील के अंदर आज जितनी भी मूवमेंट होगी, हर एक स्पेसिफिक इंटरवल्स पे मेरी 50-50 शेयर्स की बाइंग होती रहेगी, लेकिन इसके लिए मुझे ऑर्डर सिर्फ एक ही बार लगाना है, वो भी सुबह के समय, मुझे बार बार ऑर्डर्स नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ जो हमको एवरेजिंग करनी है, ये हम कब करनी है, हमको कौन से कौन से समय के बीच में करनी है। बहुत सी बार होता है कि कोई इलेक्शन के रिजल्ट वाला समय होता है, RBI की पॉलिसी का समय होता है, जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है, या टाटा स्टील का जैसे आज मान लीजिए रिजल्ट आने वाला है 2-2.5 बजे के आसपास, तो मुझे वाला बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाला है, तो मैं ऊपर के भी ऑर्डर्स लगाऊंगा, नीचे के भी ऑर्डर्स लगाऊंगा, हर 2-2 रुपये के गैप में मैं मल्टीपल ऑर्डर्स लगाऊंगा, ताकि जितना ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी होगी मेरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, मैं बीच का प्रॉफिट निकाल लूंगा, ये भी एक तरीके की स्ट्रेटेजी है। या बहुत सी बार जब RBI की पॉलिसी आ रही होती है और हमने देखा है, या कोई फाइनेंस मिनिस्टर बजट अनाउंस कर रहे होते था, हमने देखा है बहुत सी वॉलेटिलिटी होती है ऊपर और नीचे, तो उस केस के अंदर हम ऑप्शंस के अंदर में भी, चाहे कॉल हो या चाहे पुट हो, एवरी रेगुलर इंटरवल्स पे हम बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स लगा सकते हैं। नो डाउट हम अगर ऑप्शंस के सेलिंग ऑर्डर्स पहले लगाएंगे तो हमें मार्जिन ज्यादा लगेगा, इसलिए हमको पहले बाइंग करके फिर सेलिंग के ऑर्डर्स लगाने चाहिए। तरीके की अगर हमें कोई स्ट्रेटेजी बनानी है तो ये
ऑर्डर टाइप आप हमें यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पर स्टार्ट समय सपोज मुझे 10:30 पे मुझे अपने टाटा स्टील को बाइंग करना शुरू करना है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मैं चाहता हूँ उसमें बाइंग करना शुरू करना है और मुझे इसको तकरीबन 1:15 तक ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया 500 क्वांटिटी। अब जितनी भी अगर उसके अंदर मूवमेंट हुई तो 2-2 रुपए की अगर गिरावट आएगी टाटा स्टील के शेयर में, तो मेरे 50-50 क्वांटिटी करके जब तक 500 क्वांटिटी पूरी मेरी परचेज नहीं हो जाती, एवरी 2 रुपीज फॉल पे मैं 50 क्वांटिटी टाटा स्टील की बाय करता रहा। मतलब कि फायर्स का स्मार्ट ऑर्डर्स मेरे लिए वो करके देगा, मुझे तो सिर्फ एक ही बार ऑर्डर लगाना है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ और चीज हमको इसके अंदर कॉन्फिगर करने हैं, कुछ और एडवांस वर्जन बनाने हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ में हमें फायर्स जो है एडवांस ऑप्शन भी देता है जिसके थ्रू हम प्राइस रेंज डिफाइन कर सकते हैं। भाई हमको ये हाई तक ही जाना है, जैसे हम जब सेलिंग कर रहे हैं तो भाई हमें सेल कहाँ तक करना है, 20 रुपए ऊपर तक, 30 रुपए ऊपर। जैसे अभी टाटा स्टील 155 रुपए का भाव है, मुझे उसको 170 तक ही सेल करना है, तो यहाँ मैंने 170 का हाई प्राइस डाल दिया। और अगर सपोज मुझे उसको बाइंग करना है तो मैंने उसके लिए कितने लेवल तक नीचे बाय करना है, एवरी 2 रुपीज घटते घटते, वैसे तो मैंने ऑलरेडी 500 क्वांटिटीज को सेट करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि भाई 140 रुपीज तक मेरी बाइंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं उसको 140 रुपीज यहाँ पर सेट करूंगा कि भाई इससे ज्यादा नीचे जाएगा तो मुझे अब और बाइंग अपनी एवरेजिंग नहीं करनी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक एमपीपी परसेंटेज का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप जो भी प्राइस है उसके हिसाब से आप परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं कि उतने वेरिएशन तक में आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एवरेजिंग या स्टेप में बाइंग करनी है। साथ ही साथ जब एवरेजिंग स्टार्ट करनी है तो भाई वो मार्केट ऑर्डर लगा के करनी है या लिमिट ऑर्डर से करनी है, लिमिट ऑर्डर से करनी है तो कौन से लिमिट प्राइस से हमको बाइंग शुरू करनी है। वैसे तो हमने यहाँ पे टाइम सेट कर दिया है 10:30, तो एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही 10:30 की जो भी मार्केट ऑर्डर्स है, मार्केट प्राइस में जो भी चल रहा है उससे हमको शुरू करना है, तो हम यहाँ पर मार्केट सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 10:30 हम जो भी प्राइस चले, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमारी बाइंग जो है वो 155 रुपीज से ही शुरू होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर में आकर 155 रुपीज ही सेट करूंगा और 155 पे मेरा पहला ऑर्डर लगेगा 50 क्वांटिटी का, फिर 2 रुपए नीचे मतलब कि 153, फिर 2 रुपए और नीचे 151, इस तरीके से मेरे ऑर्डर्स लगेंगे। और यहाँ पर मैंने लो सेट कर दिया 140 का, तो 140 से नीचे अगर टाटा स्टील गया भी तो मेरी और ज्यादा एवरेजिंग नहीं होगी। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से कॉन्फिगर करके अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहां पर एक बार कर दिया और जब आपने स्टार्ट दबा दिया तो ये बस चलता रहेगा और आपके लिए एक काइंड ऑफ ऑर्डर ऑटोमेशन कर देगा। तो नो डाउट ये है तो बहुत अच्छा फीचर, ये फ्रीली अवेलेबल है सबसे बड़ी बात, बस आपको ये करना है कि आपके पास फायर्स का ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए तो आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं फायर्स में ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आगे की डिटेल्स आपको मैं वहां पर शेयर कर दूंगा। तो इसी तरीके से और भी फायर्स की स्मार्ट ऑर्डर्स के और सारे वेरिएशंस हैं, जल्द ही मैं उन फीचर्स और उन वेरिएशंस के साथ आप लोगों के साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।